राहुल और उसकी फैमिली अमेरिका से इंडिया आए हैं। आज वो ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंचे हैं। रास्ते में राहुल की माँ के बैग का स्ट्रैप टूट जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ कोई मोची मिल जाएगा तो इसको ठीक कर देगा। तभी उन्हें पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक लड़का दिखाई देता है। बेटा, यह बैग का हैंडल टूट गया है, क्या तुम ठीक कर सकते हो? क्यों नहीं। कितना लगेगा? जी 50 रुपया। अरे 50 तो बहुत है, हम 35 दे देंगे। कोई बात नहीं आंटी, जितना भी दे दीजिए, आपका पर्स तो बहुत सुंदर है। हम इसको ऐसा ठीक करेंगे कि आपके विदेश में कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि कभी टूटा था। चलो ठीक है। डैडी, यह बच्चा स्कूल नहीं जाता। राहुल पूछ रहा है, तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं अंकल जी। क्यों? हमको टाइम ही नहीं मिलता काम से। क्यों, तुम्हारे बाबा काम नहीं करते क्या? बाबूजी गुटखा खाने से बीमार हो गए हैं और अब घर पर ही रहते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? रोज दुकान का किराया देना पड़ता है, झुग्गी का किराया देना होता है, पुलिस को भत्ता भी देना होता है, माँ है, बीमार बाबूजी हैं, 3 छोटे भाई बहने हैं। ओहो, तुम तो बहुत मेहनत करते हो। चलो यह पूरा 100 रुपया रख लो, अपना इनाम समझ के। लड़का बहुत खुश होता है और अंकल को जूते पॉलिश करवाने के लिए कहता है। अंकल जी, आपका जूता मिट्टी में गंदा हो गया है, ये तो असली इटालियन जूता है, लाओ हम पॉलिश करके चमका दें। तुम तो बहुत होशियार हो, तुमको इतना कुछ पता है। आंटी जी, हम रोज हजारों जूते देखते हैं, ताज देखने लोग दुनिया भर से आते हैं, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। देखा राहुल, कितना स्मार्ट और मेहनती बच्चा है ये। राहुल भैया का जूता तो असली नाइकी का है, हमको पता है अमेरिका में $100 से भी ज्यादा का मिलता है। डैडी, इस बच्चे को जूतों के बारे में इतना पता है, पर इसने खुद जूता क्यों नहीं पहना? राहुल पूछ रहा है, तुमको जूतों के बारे में इतना पता है, लेकिन तुम खुद जूता क्यों नहीं पहनते? नहीं अंकल जी, हमारे पास जूता नहीं है। क्यों, तुम्हारे पास कोई जूता नहीं है? अंकल जी, जूता तो स्कूल जाने वाले बच्चे पहनते हैं, हम जूता पहनकर क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि किसी भी बच्चे का इस तरह का जीवन जीना उचित है? हर बच्चे को पढ़ाई का पूर्ण अवसर प्राप्त होना महत्वपूर्ण है। बिना पढ़ाई लिखाई के कमाई और अच्छा जीवन जीने के बहुत ही कम अवसर रह जाते हैं। राहुल और उसकी फैमिली अमेरिका से इंडिया आए हैं। आज वो ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंचे हैं। रास्ते में राहुल की माँ के बैग का स्ट्रैप टूट जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ कोई मोची मिल जाएगा तो इसको ठीक कर देगा। तभी उन्हें पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक लड़का दिखाई देता है। बेटा, यह बैग का हैंडल टूट गया है, क्या तुम ठीक कर सकते हो? क्यों नहीं। कितना लगेगा? जी 50 रुपया। अरे 50 तो बहुत है, हम 35 दे देंगे। कोई बात नहीं आंटी, जितना भी दे दीजिए, आपका पर्स तो बहुत सुंदर है। हम इसको ऐसा ठीक करेंगे कि आपके विदेश में कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि कभी टूटा था। चलो ठीक है। डैडी, यह बच्चा स्कूल नहीं जाता। राहुल पूछ रहा है, तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं अंकल जी। क्यों? हमको टाइम ही नहीं मिलता काम से। क्यों, तुम्हारे बाबा काम नहीं करते क्या? बाबूजी गुटखा खाने से बीमार हो गए हैं और अब घर पर ही रहते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे?
रोज दुकान का किराया देना पड़ता है, झुग्गी का किराया देना होता है, पुलिस को भत्ता भी देना होता है। माँ हैं, बीमार बाबूजी हैं, तीन छोटे भाई बहने हैं। ओहो, तुम तो बहुत मेहनत करते हो। चलो यह पूरा 100 रुपया रख लो अपना इनाम समझ के। लड़का बहुत खुश होता है और अंकल को जूते पॉलिश करवाने के लिए कहता है। अंकल जी, आपका जूता मिट्टी में गंदा हो गया है, ये तो असली इटालियन जूता है, लाओ हम पॉलिश करके चमका दें। तुम तो बहुत होशियार हो, तुमको इतना कुछ पता है। आंटी जी, हम रोज हजारों जूते देखते हैं, ताज देखने लोग दुनिया भर से आते हैं, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। देखा राहुल, कितना स्मार्ट और मेहनती बच्चा है ये। राहुल भैया का जूता तो असली नाइकी का है, हमको पता है अमेरिका में $100 से भी ज्यादा का मिलता है। डैडी, इस बच्चे को जूतों के बारे में इतना पता है, पर इसने खुद जूता क्यों नहीं पहना? राहुल पूछ रहा है, तुमको जूतों के बारे में इतना पता है, लेकिन तुम खुद जूता क्यों नहीं पहनते? नहीं अंकल जी, हमारे पास जूता नहीं है। क्यों, तुम्हारे पास कोई जूता नहीं है? अंकल जी, जूता तो स्कूल जाने वाले बच्चे पहनते हैं, हम जूता पहनकर क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि किसी भी बच्चे का इस तरह का जीवन जीना उचित है? हर बच्चे को पढ़ाई का पूर्ण अवसर प्राप्त होना महत्वपूर्ण है। बिना पढ़ाई लिखाई के कमाई और अच्छा जीवन जीने के बहुत ही कम अवसर रह जाते हैं। राहुल और उसकी फैमिली अमेरिका से इंडिया आए हैं। आज वो ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंचे हैं। रास्ते में राहुल की माँ के बैग का स्ट्रैप टूट जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ कोई मोची मिल जाएगा तो इसको ठीक कर देगा। तभी उन्हें पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक लड़का दिखाई देता है। बेटा, यह बैग का हैंडल टूट गया है, क्या तुम ठीक कर सकते हो? क्यों नहीं। कितना लगेगा? जी 50 रुपया। अरे 50 तो बहुत है, हम 35 दे देंगे। कोई बात नहीं आंटी, जितना भी दे दीजिए, आपका पर्स तो बहुत सुंदर है, हम इसको ऐसा ठीक करेंगे कि आपके विदेश में कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि कभी टूटा था। चलो ठीक है। डैडी, यह बच्चा स्कूल नहीं जाता? राहुल पूछ रहा है, तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं अंकल जी। क्यों? हमको टाइम ही नहीं मिलता काम से। क्यों, तुम्हारे बाबा काम नहीं करते क्या? बाबूजी गुटखा खाने से बीमार हो गए हैं और अब घर पर ही रहते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? रोज दुकान का किराया देना पड़ता है, झुग्गी का किराया देना होता है, पुलिस को भत्ता भी देना होता है। माँ हैं, बीमार बाबूजी हैं, तीन छोटे भाई बहने हैं। ओहो, तुम तो बहुत मेहनत करते हो। चलो यह पूरा 100 रुपया रख लो अपना इनाम समझ के। लड़का बहुत खुश होता है और अंकल को जूते पॉलिश करवाने के लिए कहता है। अंकल जी, आपका जूता मिट्टी में गंदा हो गया है, ये तो असली इटालियन जूता है, लाओ हम पॉलिश करके चमका दें। तुम तो बहुत होशियार हो, तुमको इतना कुछ पता है। आंटी जी, हम रोज हजारों जूते देखते हैं, ताज देखने लोग दुनिया भर से आते हैं, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। देखा राहुल, कितना स्मार्ट और मेहनती बच्चा है ये। राहुल भैया का जूता तो असली नाइकी का है, हमको पता है अमेरिका में $100 से भी ज्यादा का मिलता है। डैडी, इस बच्चे को जूतों के बारे में इतना पता है, पर इसने खुद जूता क्यों नहीं पहना? राहुल पूछ रहा है, तुमको जूतों के बारे में इतना पता है, लेकिन तुम खुद जूता क्यों नहीं पहनते? नहीं अंकल जी, हमारे पास जूता नहीं है। क्यों, तुम्हारे पास कोई जूता नहीं है? अंकल जी, जूता तो स्कूल जाने वाले बच्चे पहनते हैं, हम जूता पहनकर क्या करेंगे।
क्या आपको लगता है कि किसी भी बच्चे का इस तरह का जीवन जीना उचित है? हर बच्चे को पढ़ाई का पूर्ण अवसर प्राप्त होना महत्वपूर्ण है। बिना पढ़ाई लिखाई के कमाई और अच्छा जीवन जीने के बहुत ही कम अवसर रह जाते हैं।